हे गाइस वेलकम बैक टू वी माइंड। सो गाइस फिर से वीवो Z1 पे वीडियो होने वाली है। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ हानियां, कुछ कॉन्स शेयर करूंगा वीवो Z1 प्रो के। सो गाइस कोई डाउट नहीं है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो गो फॉर इट। 15,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही बीस्ट मोबाइल है, लेकिन आप परचेस कर रहे हो तो इस कॉन्स को आपको पता होना चाहिए, आप इसके कुछ हानियां वो आपको पता होना चाहिए। एज माई एक्सपीरियंस तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते करते। आप देख सकते हो मेरे पास सोनिक ब्लैक कलर में फ़ोन है, 4GB 64GB वेरिएंट के साथ में। सो गाइस 15,000 के प्राइस रेंज में आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन देखने नहीं मिलेगा इस फ़ोन पे। गोरिल्ला ग्लास 5 होना चाहिए लेकिन इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन डिस्प्ले इसकी अच्छी है लेकिन टूट सकती है गिरने पे, स्क्रैच जल्दी आ जाएगी इस पे। तो इसका ये कॉन्स था जो इसके डिस्प्ले पे किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। सो गाइस इस फ़ोन में नोटिफिकेशन LED लाइट आपको देखने नहीं मिलेगा। देख सकते हो आप कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने नहीं मिलेगा, जिससे आपका मूड चेंज हो सकता है। तो ये कौन सा आपको नहीं पता था तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मामले में फ़ोन अच्छा है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट है और आपको मैसेज आता है तो भैया आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है मैसेज का, तो भूल जाओ नोटिफिकेशन लाइट नहीं है इसमें। सो गाइस जो अगला कौन से वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बहुत ही शाइनी लुक लगता है फ़ोन का, आगे से भी पीछे से भी बहुत ही ग्रॉसी लुक लगता है इस फ़ोन का। तो इसे आप परचेस कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ज़रा सा भी आपका नाखून इसमें अच्छे से बैठ के लग जाएगा तो इस पर डेंट आ जाएंगे, स्क्रेचेस आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मजबूत नहीं है ये, हालांकि ग्लास पैनल रहता तो सही रहता। तो 15,000 में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ फ़ोन अच्छा है, फ़ोन आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन बस इसमें कुछ हानियाँ जो मुझे ऐसी पर्सनल में लगी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गिरेगा तो टूट सकता है इसका बैक पैनल ईजी तरीके से, शाइनी लुक है, इससे आप प्रोटेक्शन लगा के यूज़ करें, ज़रूर से ज़रूर प्रोटेक्शन लगा के यूज़ करना फ़ोन, नहीं तो गिरेगा ज़रूर टूट जाएगा। और उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है फ़ोन बिल्ड क्वालिटी के मामले में। सो गाइस जो अगला कौन से वो से मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको अच्छा लगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इसका जो UI है फन टच OS, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। आप देख सकते हो फन टच OS मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो इसे आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, आपको शायद अच्छा लग जाए। तो इसके कॉन्स मुझे ये लगे। तो भाई जो अगला कॉन्स है इसके साइड में बटन, जो कि असिस्टेंस बटन है, वो बाई चांस गलती से कभी आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो ये बटन मेरे से एक्सीडेंटली क्लिक हो जाता है कभी कभी, या प्रेस हो जाता है। तो ये भी अवॉइड आप कर सकते हो तो सही है, लेकिन इसके कॉन्स मुझे लगे पर्सनली। जब मैं इसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करता हूँ एक हाथ से तो वो बटन अपने आप क्लिक हो जाता है। अगर आपका हैबिट है या इसके पहले लिनोवो का फ़ोन यूज़ किया हो तो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी गूगल असिस्टेंस बटन पर्सनली दिया हुआ है। और इसके UI की बात करूँ तो UI मुझे अच्छा नहीं लगा है पर्सनली। हालांकि सबको अलग अलग UI अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा कस्टमाइज़ करना अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है, ये सारे कॉन्स थे, कुछ माइनर कॉन्स थे और अच्छाई भी इस फ़ोन में बहुत कुछ है। जैसे इसका बैटरी बैकअप हो गया, बैटरी बैकअप आराम से आप 2.5 दिन तक यूज़ कर सकते हो फ़ोन, PUBG खेल सकते हो 8.5 से 9 घंटा ईजी HD ग्राफिक में। और इस पे आपको ग्रॉसी लुक आपको देखने मिल जाता है, अच्छा लुक आपको देखने मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बहुत ही एग्रेसिव है और फेस अनलॉक भी बहुत ही अच्छा है, इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। और भी बहुत कुछ अच्छे भर के फ्यूचर्स आपको मिल जाएंगे 15,000 में, लेकिन ये कुछ कॉन्स थे जो मुझे पर्सनली लगे, इसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था, कुछ माइनर कॉन्स थे, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कहूँगा, कुछ माइनर कॉन्स थे, आप इसे अवॉइड कर सकते हो तो सही है। 15,000 में सबसे बेस्ट फ़ोन है, गो फॉर इट। बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।